लोग एनसीईआरटी क्लास 11th में चैप्टर 4 शुरू करने जा रहे हैं, गणितीय आगमन का सिद्धांत। इसको बोला जाता है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो ये गणितीय आगमन का सिद्धांत क्या है और इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं और ये कहां से आया है, इसके पहले हम लोग पूरा थ्योरी के डिटेल में जाएंगे, उसके बाद क्वेश्चन तो अपने आप एकदम इजी हो जाएगा, ठीक है। तो अगर लेकिन अगर आप बिना थ्योरी समझे जो है क्वेश्चन करने लगेंगे तो बस आपका क्या होगा कि वही क्वेश्चन जो है रिपीट रिपीट करके जो है करेंगे, लेकिन आपको पता नहीं चलेगा हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग जो है थोड़ा सा थ्योरी पे फोकस करेंगे कि गणितीय आगमन का सिद्धांत है क्या, फिर हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो जैसा जैसा आपके एनसीईआरटी बुक में दिया है उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं चैप्टर का कि इसमें है क्या। इंट्रोडक्शन, हम लोग के जो है मैथमेटिक्स में जो है कंप्लीटली हम लोग क्या करते हैं, लॉजिकल जो है लॉजिकल स्टेप्स करते हैं, लॉजिक बेस्ड ही रहता है हमारा पूरा मैथ्स। तो लॉजिक में हम लोग क्या करते हैं, जैसे आप कहते हैं कि इस सूत्र का निगमन करिए फिजिक्स वगैरह में, तो उसके बाद में और कहते हैं कि ज्योमेट्री में आप 9th-10th में भी देखते थे कि हम किसी भी चीज का प्रूफ देते हैं कि कोई थ्योरम होता है, कोई प्रमेय होता है, उसके लिए हम लोग क्या देते हैं प्रूफ। तो प्रूफ हमारा क्या रहता है, वो लॉजिक वाले स्टेप रहते हैं जो एक के बाद एक हमारे निकलते चले जाते हैं। तो इस टाइप का जब तर्क किया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं निगमनिक तर्क, निगमन किया जा रहा है निगमनिक तर्क, ठीक है। और इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं, डिराइव्ड, डिराइव्ड। आप कहते हैं कि जैसे डेरिवेशन करो इसका, निगमन करो, तो निगमनिक तर्क हमारा जो होता है वो बेसिस है पूरे मैथमेटिक्स का। अच्छा, निगमनिक तर्क हमारा एग्जांपल क्या है इसमें, जैसे जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल दे रहे हैं हम लोग, जैसे तीन कथन हम लोग यहां पे लिख रहे हैं, तीन कथन, तीन कथन। कथन का मतलब मैथ्स में हमारा होता है कि या तो वो सही होगा या गलत होगा, स्टेटमेंट होता है। तो जैसे पहला कथन हमारा ए है कि सुकरात एक मनुष्य है, सुकरात एक मनुष्य है, और कथन बी हमारा है सभी मनुष्य मरणशील हैं, सभी मनुष्य मरणशील है, मरणशील हैं, इसलिए सी कथन सुकरात मरणशील है। तो यहां पे क्या हो रहा है कि अगर कथन ए और बी अगर हमारा सही है तो कथन सी क्या होगा, हमारा सही होगा, ठीक है। और ये हम लोग किस आधार पे कह पा रहे हैं, कथन एक और दो से हम लोगों ने क्या किया, ये निगमन किया इसका, इससे ये कंक्लूजन निकाला कि सुकरात एक मनुष्य है और सभी मनुष्य मरणशील है, तो सुकरात क्या है, मरणशील है। यदि हम लोग कहें कि यदि ए और बी सत्य है तो सी भी हमारा क्या होगा, सत्य होगा। यदि ए एक कथन और बी सत्य है तो सी की सत्यता स्थापित हो जाती है, यह स्थापित है, ठीक है। यहां से इस टाइप के तर्क जो हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं, निगमन, निगमनिक तर्क बोलते हैं। यह हमारा जो है क्या है, इसको जो ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगमनिक तर्क, निगमन कर रहे हैं, निगमनिक तर्क। अच्छा, इंग्लिश में बोले तो इसको हम लोग क्या कह रहे हैं, डेराइव्ड लॉजिक। डेराइव्ड मतलब कि एक
दो स्टेटमेंट से कंक्लूजन निकाल के हम लोग किसी स्टेटमेंट पे पहुंच रहे हैं। तो ये मेन जो हमारा ये इसी लॉजिक से हम लोगों का चलता है पूरा मैथमेटिक्स, जिसको क्या बोलते हैं, डेराइव्ड लॉजिक या निगमनिक तर्कण बोलते हैं। ठीक है, इसका अगर मैथमेटिक्स में इसका एग्जांपल लिया जाए तो जैसे बोला जाए कि स्टेटमेंट वन हम लोग लिख रहे हैं कि 8 दो से भाज्य है, 8 दो से भाज्य है, सही बात है, 8 जो है दो से भाज्य है। सेकंड स्टेटमेंट है 2 से भाज्य, 2 से भाज्य कोई सम, कोई संख्या सम संख्या है, 2 से भाज्य कोई सम, कोई संख्या सम संख्या है, इसीलिए। तीसरा स्टेटमेंट लिख रहे हैं 8 1 सम संख्या है। तो ये हम लोग क्या है, ये जो है डिराइव्ड लॉजिक हमारा निगमनिक तर्कण है कि 8 दो से भाज्य है। ऐसे तो हम लोग क्योंकि जानते हैं 8 दो से भाज्य है और 2 से भाज्य कोई संख्या सम संख्या होती है, इसलिए 8 क्या है हमारा एक सम संख्या है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, निगमनिक तर्कण बोलते हैं, डिराइव्ड लॉजिक। ठीक है, और इस लॉजिक का यूज हम लोग क्या करते हैं मैथमेटिक्स में, किसी भी जो है सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए डिराइव्ड लॉजिक का यूज किया जाता है। और मैथमेटिक्स में जिसको प्रूव किया जाता है उसको हम लोग जो है एक अनुमानित कथन, कंजेक्चर या प्रमेय बोलते हैं, और डिराइव्ड लॉजिक की मदद से उसको हम लोग लॉजिकल स्टेप से उसको जो है प्रूव करते हैं, या प्रूव या तो हो जाता है या प्रूव नहीं होता। ठीक है, तो ये हमारा हो गया निगमनिक तर्कण। ठीक है, निगमनिक तर्क। डिराइव्ड लॉजिक, तो मैथमेटिक्स में हम लोग डिराइव्ड लॉजिक का यूज करके जो है निगमनिक तर्कण का उपयोग करके जो है अनुमानित कथन या प्रमेय को सिद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए एक लाइन ये भी लिख देते हैं, गणित में अनुमानित कथन, अनुमानित कथन जिसको इंग्लिश में कंजेक्चर बोला जाता है, कंजेक्चर CONJECTURE, अनुमानित कथन का मतलब कि अगर किसी को जो है कोई कोई जो है स्टेटमेंट या कोई लॉजिक नजर आ रहा है जो है उसको क्या बोलते हैं, अनुमानित कथन, जो दिख रहा है। ठीक है, मैथ्स में या एहसास हो रहा है कि ऐसा होना चाहिए तो उसी को अनुमानित कथन अथवा अथवा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रमेय भी। सिद्ध होने के बाद उसको क्या बोला जाता है, प्रमेय बोला जाता है, थ्योरम्स। तो गणित में अनुमानित कथन अथवा प्रमेय, अथवा प्रमेय को निगमनिक तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता है। सिद्ध किया जाता है कि मतलब कि ऐसा नहीं हर अनुमानित कथन सिद्ध हो जाता है, या तो सिद्ध होगा या तो सिद्ध नहीं होगा। ठीक है, अनुमानित कथन प्रमेय कहते हैं। ठीक है, कि तर्क के आधार पर सिद्ध किया जाता है। और जो चरण होता है, ठीक है, तर्क संगत निगमन के जो चरण होते हैं, तर्क संगत निगमन के चरण स्थापित किए जाते हैं। ठीक है, ठीक है, लॉजिकल स्टेप हम लोग जो है डेवलप करते हैं और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तर्क संगत निगमन के चरण स्थापित किए जाते हैं। और एक उपपत्ति
या और जिसे उत्पत्ति कहा जाता है। ठीक है, हम लोग जब 9th 10th में कोई थ्योरम हम लोग देखते थे तो क्या लिखते थे कि उत्पत्ति, उत्पत्ति में हम लोग क्या कहते हैं लॉजिकल स्टेप कि ये है तो ये ऐसे होगा, ये ऐसे होगा, ये ऐसे होता, तो उसी को हम लोग क्या बोलते थे उत्पत्ति। और जो स्टेप रहता था वो हमारा क्या रहता था लॉजिकल स्टेप रहता है, वो डिराइव जो है लॉजिक रहता है हम लोगों का। जैसे कि दो, जैसे आठ दो से भाज्य है और दो से भाज्य संख्याएं सम संख्याएं होती हैं, अतः हम लोग जो है इससे कंक्लूजन क्या निकालते हैं कि आठ एक भाज्य सम संख्या है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया डिराइव्ड लॉजिक, ये निगमन हो गया। अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर में हमको आगमन पढ़ना है, तो पहले निगमन तो समझें कि निगमन क्या होता है, फिर आगमन की बात करी जाएगी। तो निगमन का मतलब क्या हो गया हमारा कि जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा था ये सुकरात एक मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील है, ये क्या है हमारा एक ये जनरल बात लिखी है। जनरल बात का मतलब कि सामान्य बात जो है, ये किसी पर्टिकुलर रिस्पेक्ट में नहीं लिखा है, ये पूरे जो है एक जनरल बात है कि सभी मनुष्य, सुकरात एक मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील हैं। ठीक है, अब सुकरात मरणशील है, यहाँ पे सुकरात जो है एक पर्टिकुलर आदमी है उसकी बात करी जा रही है। तो ये हमारे जो दोनों ये हमारे यहाँ पे के हैं क्या है, ये जनरल बात है, सामान्य बात है, और यहाँ से हम लोग इससे क्या निकाल रहे हैं, एक स्पेशल बात निकाल रहे हैं इन लोगों के लॉजिक से। तो कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ये निगमनिक तर्क होता है ये सामान्यकरण से जो है किसी भी को जो है क्या किया जाता है, इसको व्यापक स्थिति से विशेष स्थिति प्राप्त किया जाता है। तो एक पॉइंट और लिखेंगे कि निगमन, जो निगमन हमारा होता है यानी डेरिवेशन जिसे बोलते हैं, निगमन व्यापक स्थिति से, निगमन व्यापक स्थिति से विशेष स्थिति प्राप्त करने की प्रक्रिया है, व्यापक स्थिति से विशेष स्थिति प्राप्त करने की प्रक्रिया है या प्राप्त करने का अंग प्रयोग है। तो ये हमारा पूरा क्लियर कट हो गया कि हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं क्या पढ़ेंगे, हम लोग मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन, लेकिन हम लोग पहले क्या पढ़ते हैं निगमन क्या होता है। तो निगमन जब क्या होता है डिराइव्ड लॉजिक कि हम लोग एक दो स्टेटमेंट है उससे हम लोग कोई लॉजिक अगला निकालें उन दोनों का यूज करते हुए, तो इसको क्या बोला जाता है निगमन बोला जाता है। और जो मोस्ट जो अधिकतर जो हमारा मैथमेटिक्स में यूज होता है वो निगमन ही यूज होता है। ठीक है, तो निगमन हमारा एक पॉइंट और है कि क्या विशेष स्थितियों, सामान्य स्थितियों से विशेष स्थिति प्राप्त करने की प्रक्रिया है। तो यह हमारा हो गया निगमन। अब हम लोग देखेंगे यानी कि निगमन में और जो हमारे जो थ्योरम वगैरह होते हैं प्रमेय या कंजेक्चर जिसे बोला जाता है, अनुमानित कथन मैथ्स में होता है, तो हम लोग जो है उसका डेरिवेशन जो है करते हैं, इसका उसका उत्पत्ति देते हैं प्रूफ, तो वो लॉजिकल स्टेप्स रहते हैं हमारे लॉजिकल स्टेप्स, उन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं प्रूफ बोलते हैं। तो इन इन जो है लॉजिकल स्टेप की मदद से हम लोग किसी प्रमेय को या तो सिद्ध कर देते हैं या सिद्ध नहीं कर पाते। अच्छा, अब हमारा क्या है निगमन, सॉरी ये निगमन हो गया, अब हमारा क्या है आगमन। ये निगमन का पॉइंट हमारा खत्म हो गया, अब आगमन हम लोग समझते हैं क्या है। अच्छा, तो आगमन हमारा क्या होता है कि किसी एक एक स्थिति को जो है हम लोग देखते हैं, यहां पे हमारा क्या रहता है कि जो विशेष स्थिति हम लोग प्राप्त करते हैं और जो है सामान्य स्थिति से विशेष स्थिति प्राप्त करते हैं। ठीक है, यानी व्यापक स्थिति से विशेष स्थिति हम लोग प्राप्त करते हैं। व्यापक स्थिति से मतलब क्या बोलते हैं उसको, जनरलाइजेशन,
जनरलाइज्ड है कि जनरल बात है, ये सबके लिए सही है, उससे हम लोग क्या करते हैं जनरलाइजेशन से यानी व्यापक से कोई पर्टिकुलर लॉजिक निकालते हैं कि विशेष स्थिति, पर्टिकुलर यानी विशेष स्थिति। अब हमारा इंडक्शन क्या होता है, इसका उल्टा होता है। हम लोग पार्टिकुलर स्थितियों को देखते हैं, कई जगह पे ऑब्जर्व करते हैं, उससे एक जनरलाइज जो है, एक जनरलाइजेशन जो है डेवलप करने की कोशिश करते हैं, यानी विशेष स्थितियों को देख देख के हम लोग व्यापक स्थिति जो है निकालना चाहते हैं, यानी व्यापक स्थिति को सिद्ध करेंगे, उसी को क्या बोला जाता है, आगमन बोला जाता है। तो अगर एक लाइन में बोला जाए कि आगमन क्या है, तो इसमें हम लोग कहेंगे कि आगमन तर्क, आगमन तर्क इसमें हम लोग लिख लेते हैं कि तर्क प्रत्येक स्थिति के अध्ययन पर आधारित होता है, आगमन तर्क यानी जो प्रत्येक स्थिति, एक स्थिति, दो स्थिति, कई सारी स्थितियों को हम लोग उस पर, ठीक है, और उस विशेष स्थितियों को जो हम लोग प्रत्येक स्थिति को जो देख रहे हैं उन पे आधारित हम लोग कोई जो है कथन जो है डेवलप करेंगे, ठीक है, अध्ययन पर आधारित होता है। और इसमें लिखेंगे कि आगमन का अर्थ विशिष्ट स्थितियों या तथ्यों से व्यापकीकरण करने से है, यानी विशेष स्थितियों के अध्ययन से। जैसे आप कहीं भी रोड से जो है जा रहे हैं, तो कोई आप विशेष जो है कहीं कोई विशेष ऐसी जगह पे है जहां पे जो है एक्सीडेंट आप देखते हैं कि होता है, वहां पे जो कोई अगर पर्टिकुलर तरीके से मोड़ता है गाड़ी तो वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है, ठीक है। तो आप एक स्थिति को देखे, दो स्थिति को देखे, तीन स्थिति को देखे कि अगर उस रेस से, उस स्पीड से उस जगह पे कोई मोड़ता है तो वहां पे एक्सीडेंट हो जाता है। तो आगमन हमारा क्या है, आगमन तर्क का अगर यूज करेंगे तो आप ये कहेंगे, उसको जनरलाइज कर देंगे कि भैया यहाँ पे अगर 50 किलोमीटर स्पीड से ज़्यादा में मोड़ दोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो गया, आगमन हो गया, कि वहाँ पे एक दो तीन चार स्थितियों को हम लोगों ने देखा और उस आधार पे उस बात को हमने क्या कर दिया, जनरलाइज कर दिया कि इस जगह पे 50 किलोमीटर से ज़्यादा की स्पीड पे बाइक मोड़ोगे तो एक्सीडेंट हो जाएगा। तो केवल ये बात कह देने से तो होगा नहीं, हमको उसको जो है कुछ, जैसे निगमन प्रूव करते हैं वैसे आगमन को भी प्रूव करने का तरीका हमको पता होना चाहिए। ये हो गया। और इसमें एक बात यह है कि सामान्य जो है मैथ्स में जो है हम लोग जिन रिजल्ट को, जिन परिणामों को जो है प्राकृतिक संख्या n के पदों में व्यक्त करते हैं वो सारे परिणाम हम लोग ज्यादा आगमन में सिद्ध करेंगे। तो आगमन में हम लोग किन चीजों से डील करेंगे कि गणित में जो परिणाम होते हैं ज्यादातर, जो अधिकतर परिणाम जो प्राकृतिक संख्या n के पदों में होते हैं उनको हमको जो है गणितीय आगमन का सिद्धांत से सिद्ध करेंगे, ठीक है। तो हम लोग इसमें एक दो लाइन लिखेंगे बीजगणित में या गणित की अन्य
शाखाओं में कुछ ऐसे परिणाम या कथन होते हैं, जिन्हें एक धन पूर्णांक n के पदों में व्यक्त किया जाता है, ऐसे कथनों को सिद्ध करने के लिए विशिष्ट तकनीक पर आधारित समुचित सिद्धांत है। जो गणितीय आगमन का सिद्धांत कहलाता है। जो गणितीय आगमन का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन कहलाता है। तो यहाँ तक हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने दो बातें देखा कि जो हमारा जो मैथ में जो लॉजिक होता है, एक होता है हमारा क्या होता है, एक निगमन होता है, ठीक है, निगमन यानी डेरिवेशन, ठीक है, और एक हमारा क्या होता है, इंडक्शन यानी आगमन। निगमन का मतलब क्या होता है, हम लोग निगमन में क्या देखते हैं, निगमन का मतलब होता है हम लोग व्यापक कोई बात है, व्यापक स्थिति से हम लोग क्या करते हैं, विशेष व्यापक स्थिति से जो है विशेष स्थिति को प्राप्त करते हैं, ठीक है, और इससे हम लोग जो है ये मूल हमारा जो मैथमेटिक्स हमारा निगमन पर ही होता है, डेरिवेशन पर, इसकी वजह से हम लोग जो है अनुमानित कथन जो कंजेक्चर होता है या जो थ्योरम होते हैं उनको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं या सिद्ध नहीं कर सकते, और जो हम लोग जो स्टेप्स करते हैं वो हमारा क्या बोलता है, स्टेप प्रूफ का, उसको उत्पत्ति बोला जाता है, प्रूफ बोला जाता है। आगमन में हम लोग क्या करते हैं, विशेष स्थिति जो है हम लोग विशेष स्थिति का अध्ययन से हम लोग क्या करते हैं, एक व्यापक कथन बनाते हैं, ये हम लोग विशेष स्थिति से जो है व्यापक स्थिति पर पहुंचते हैं, विशेष स्थितियों के अध्ययन करेंगे, उससे एक व्यापक स्थिति, एक जनरल बात निकालने की कोशिश करेंगे, और उसको हम लोग जो है मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से प्रूव करेंगे। यानी आगमन हमारा क्या है, विशेष स्थितियों के अध्ययन से व्यापक स्थिति, ठीक है, और इसमें मूल रूप से हम लोग क्या करते हैं कि हमारा मैथ्स में जो धन पूर्णांक एन के पदों में जो कथन व्यक्त किया जाता है उनको हम लोग सिद्ध करते हैं मूल रूप से, ठीक है, जो हमारे धन पूर्णांक एन के पदों में व्यक्त किए जाते हैं
उनका हम लोग क्या करते हैं, उनका प्रूफ हम लोग क्या करते हैं, इंडक्शन की हेल्प से करते हैं, मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा अभी पूरा बात हो गया कि हमारा क्या है, डेरिवेशन क्या है यानी निगमन क्या है और आगमन क्या है। अभी भी हम लोग आगमन के बारे में ज्यादा नहीं, बस हम लोग क्या कर, आगमन का मतलब क्या समझ में आया कि कुछ विशेष स्थिति देख देख के हम एक जनरल स्थिति बनाएंगे और वो जनरल स्थिति जो है हमारा धन पूर्णांक एन के पदों में जो अधिकतर स्टेटमेंट हमारे लिखे जाएंगे उनका प्रूफ हम लोग जो है किसको बोलेंगे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, गणितीय आगमन के सिद्धांत से हम लोग उसका प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो ये इसमें हम लोग अभी इतना ही रखते हैं कि हमारा जो है ये चैप्टर का जो बेसिस है ये हमारा क्या है कि जो पूरा मैथ का जो पूरा मैथ बेस है वो हमारा किस पे बेस है, लॉजिक पे बेस है। तो लॉजिक एक होता है डेरिवेशन या निगमन होता है। ठीक है, निगमन का एग्जांपल हम लोगों ने देखा था, जैसे सुकरात एक मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील हैं, तो इन दोनों स्टेटमेंट से, इन दोनों कथन से ये हम लोगों ने निकाला कि सुकरात मनुष्य है, सभी मनुष्य मरणशील हैं, यानी सुकरात क्या है हमारा, मरणशील है। तो ये डेरिवेशन हमारा हो गया। ठीक है, और निगमन हमारा क्या होता है, इसका उल्टा कि कुछ एक दो तीन चार स्थितियों को देख देख के हम लोग एक व्यापक स्थिति प्राप्त करेंगे, उसको मैथमेटिकल इंडक्शन की मदद से जो है प्रूव करेंगे। ठीक है, और अधिकतर जो हमारे कथन जो गणित में जो धन पूर्णांक n के पदों में व्यक्त किए जाते हैं, जैसे प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योगफल हम लोग देखेंगे कि n इंटू एन प्लस वन बाई टू होता है। ठीक है, तो ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का, तो इस टाइप को हम लोग कैसे प्रूव करेंगे, उसको हम लोग क्या करेंगे, मैथमेटिकल इंडक्शन की हेल्प से करेंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत। तो इसके आगे हम लोग देखेंगे कि इसमें स्टेप्स क्या होंगे, गणितीय आगमन का सिद्धांत से जब हम लोग किसी भी चीज़ को प्रूव करेंगे, किसी भी कथन को, तो हमारा जो स्टेप क्या होगा, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे।